नमस्कार दोस्तों, क्या नरेंद्र मोदी की लंका लग गई है और क्या राहुल गांधी का अंडर करेंट आंधी बन के चल रहा है और क्या नरेंद्र मोदी का कीचड़ काम करना बंद कर चुका है और क्या अदानी का पैसा भी काम नहीं कर रहा है। आज इस पर आपके साथ बात को केंद्रित करूंगा। बात यहां से शुरू करता हूं कि कल नरेंद्र मोदी की जो संसदीय सीट है वाराणसी, वहां पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव की ज्वाइंट रैली थी। गठबंधन की उस रैली में लोग झमाझम उमड़े थे। झमाझम इसलिए कह रहा हूं, बनारसी भाषा में झमाझम कहते हैं, तो झमाझम उमड़े थे और जो बातें हुई सब कुछ आया कि कैसे काशी की जमीनों पे, काशी के धंधों पे और काशी की हर कीमती चीज पर, और यहां तक कि बाबा के मंदिर तक पर भी गुजरातियों का कब्जा हो गया है। वहां की लोकसभा सीट पर तो है ही, वहां के नगर निगम में भी कब्जा रहा और अब ये भी कब्जा है। तो गुजरातियों का इतना कब्जा हो गया है कि बनारसी उनके पांव धुलने के सिवा और कुछ न करे। बनारसी बम बम बोलने की बजाय अब मोदी मोदी करते रह जाएं, बस उनके भाग्य में यही है। और इसके बदले में उन्हें बेरोजगारी, महंगाई, तब जाम और तमाम संकट झेलने पड़े, और कहने को तो क्यूटो हो और असल में जो हालत हो वो किसी बनारसी से पूछ लीजिए। पढ़ना लिखना सब दूभर हो जाए जो काशी शिक्षा का केंद्र माना जाता था। धर्म को राजनीति के तराजू से तौला जाए और देखा जाए, और नरेंद्र मोदी जब खुद ही भगवान बन जाए तो काशी में तो सिर्फ बाबा होते हैं, और जहां सिर्फ बाबा होते हैं वहां कोई दूसरा भगवान, गजब है भाई। तो काशी क्या जवाब देगा, वही जवाब दे रहा, और उस जवाब के अगुआ बन रहे हैं अजय राय। सारी मशीनरी लगी हुई, एक दर्जन माफिया लगे हुए, माफिया। नरेंद्र मोदी ने अपने चुनाव जीतने के लिए एक दर्जन माफिया लगा रखे, और प्लस गुजरात से 100 से अधिक बड़े पूंजीपति आए हुए हैं, और वो कहां नोट बांट रहे हैं आप कल्पना नहीं कर सकते। चुनाव आयोग तो चलिए देखेगा नहीं, कोई और नहीं देखेगा, लेकिन जनता है। काशी का हर नागरिक शिव का गण होता है, और शिव के गण कब पगला जाएं ये भी कोई नहीं जानता है। तो आप ये समझ लीजिए कि अब गणों ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया। अब काशी के गणों का हल्ला कहां तक जाएगा, कैसे जाएगा, वो ठंडा तो नहीं हो जाएगा, यह देखने वाला होगा। लेकिन अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, गणों का चल रहा है, तो मैंने जब फोन किया और पूछा भैया क्या है, तो बोला भैया रैली में बिजी थे। तो हम कहा कि क्या है, तो उन्होंने कहा भैया लंका लग गई मोदी की। मतलब अब आप समझिए लंका लग गई तो क्या लग गया। इस तरह का माहौल बनारस में देखने को मिल रहा है। चलिए, जब बनारस में माहौल देखने को मिल रहा हो, राहुल गांधी और अखिलेश यादव कह रहे हो कि आंधी चल रही है, और राहुल गांधी और तेजस्वी बिहार में कह रहे हो कि यहां तो आंधी चल रही है, तो भैया ये आंधी क्या बनेगी अब देखना हो। तो वही आंधी कमोबेश आज पंजाब में थी। आज पंजाब में थे राहुल गांधी, और वो उस पटियाला में भी गए जहां कभी वो परनीत कौर की बात करते थे। आज वो वहां पर एक गांधी के ही लिए गए, वो धर्मवीर गांधी
जिन्होंने रानी परनीत कौर को हराया था। आज वो कांग्रेस के साथ खड़े हैं और वो है शख्स हैं जो पिछले 50 साल से बड़े डॉक्टर हैं, 50 साल से वो मुफ्त ओपीडी चलाते हैं मरीजों की, कैंसर के पेशेंट हैं लेकिन अपना दर्द भूल के जनता के लिए सब कुछ करते हैं। मूलतः कांग्रेसी थे, आम आदमी पार्टी में चले गए, सांसद हो गए, उनके नाम का इतना प्रभाव था, रानी के चक्कर में उन्हें टिकट नहीं मिलता था, रानी राजा के चक्कर में सबके टिकट चले जाते थे, तो अब उन्हें उस कांग्रेस ने टिकट दिया जिससे वो सदैव चाहते थे। तब आप समझ सकते हैं क्या होने वाला है। वही राजा वर्णिंग जो प्रदेश अध्यक्ष है, वो लुधियाना में जो पंजाब का मैनचेस्टर कहलाता है, जिसे बर्बाद कर दिया गया पिछले 10 साल में, उस मैनचेस्टर के लिए वहां से खड़े हैं। किसानी की भी बात हो रही है, एमएसएमई की भी बात हो रही है और सब बात हो रही है, तो यही बात तो बनारस में भी हो रही थी। बनारस में भी यही है कि वहां किसानी भी है और वहां उद्योग भी था, वहां पे कल कारखाने भी थे, सब तो बर्बाद हो गए। जब सब बर्बादी हुई हो तो फिर आप क्या कहेंगे। तो आवाज आने लगे यदि, और बदलाव की बड़ी तेज आवाज आने लगे, कि राहुल गांधी जो कह रहे थे कि 150 पे अटक जाएंगे, अब तो कुछ कुछ वो सही होता दिखता है। और जब 150 जैसा आंकड़ा लग रहा हो बीजेपी का, तो आप समझिए बौखलाना स्वाभाविक है। तो वही बौखलाहट देखने को मिली एक गोदी मीडिया के इंटरव्यू में। नरेंद्र मोदी बोले, तीन तीन पत्रकार बैठे थे, इंटरव्यू ले रहे थे, तीन थे या चार थे, तो इंटरव्यू क्या होता है, वो खुद ही देते हैं, प्रवचन देते हैं सब, बाकी तो सवाल वही होते हैं जो साहब चाहते हैं। तो उन्होंने कहा, गांधी पिक्चर न बनती तो गांधी को कौन जानता था। मैंने अपना सिर पटक लिया कि वो पत्रकार गधे थे क्या कि वो ये नहीं कह सकते थे आपको कोई नहीं जानता था, प्रधानमंत्री होने के कारण आपकी हैसियत है, लेकिन गांधी कभी किसी पद पर नहीं रहे, लेकिन उनकी इतनी बड़ी छवि थी कि किसी भी प्रधानमंत्री किसी भी राष्ट्रपति से बड़े थे। और इसका उदाहरण एक मौजूद, 1931 में गोलमेज सम्मेलन में जब वो गए, तो आप सोचिए वहां के किंग ने, जो जिसका सूरज कभी अस्त नहीं होता था, वो अंग्रेजी हुकूमत ने, किंग ने उन्हें अपने यहां डिनर पर बुलाया, लेकिन वहां का ड्रेस कोड होता था, कहा गया इस ड्रेस कोड में आना है, गांधी ने मना कर, इतिहास था कि कभी ब्रिटिश हुकूमत ने अपने रूल्स नहीं चेंज किए थे, पहली बार नियम बदला गया और वो लंगोटीधारी गांधी वहां पर गया। वॉइस ऑफ अमेरिका ने उनका इंटरव्यू करना चाहता था, आज की तरह से डिजिटल तो था नहीं, तो उन्हें कहा गया कि हम सारा वो करेंगे, आप अमेरिका आइए और आपका एक इंटरव्यू करेंगे, गांधी ने मना कर दिया। अंत में वॉइस ऑफ अमेरिका ने अपने पत्रकारों को भेजा लंदन, और वहां आकर के उन्होंने महात्मा गांधी का इंटरव्यू किया। यह स्थिति होती है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने उनके लिए जो शब्द कहे थे उस दौर में, कल्पना कर सकते हैं उस तरह की स्थिति थी। आइंस्टीन जैसे लोग, ऐसे लोग उन पे बात करते थे, छोटे मोटों की बात मत करिए, जिसे पूरी दुनिया जानती थी, दुनिया वो करती थी, वो आज कह रहे हैं कि ये क्या है। इससे उनकी बौखलाहट समझ में आती है। तो हरिशंकर परसाई ने कहा है, मूर्खता का आत्मविश्वास सर्वोपरि होता है। तो समझ गए
कि मूर्खता का आत्मविश्वास लिए नरेंद्र मोदी घूम रहे हैं, इसलिए आप समझ लीजिए इसीलिए इस तरह की बातें करते हैं। और जिस तरह की बात करते हैं तो आप एक चीज देखिए, जब सिविल राइट्स आंदोलन कुल 4 महाद्वीपों और 12 देशों में फैल गया था जब महात्मा गांधी ने किया था, उसको आप भूलेंगे? पूरी दुनिया उसके चर्चे थे, गांधी के आदर्शों के द्वारा चलाए गए आंदोलन के चर्चे थे, नेल्सन मंडेला जैसे लोग बात करते थे। आप सोचिए ये लोग जब गांधी के मुरीद थे तो आप क्या कहेंगे? आइंस्टीन को मैं बता ही चुका हूं, और उसके अलावा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, चर्चिल, दक्षिण अफ्रीका से फील्ड मार्शल जेन स्मार्ट्स, ये सब जो है किस तरीके से उनको याद करते और किस तरीके से होता था। और उसके बाद में यदि हमारा प्रधानमंत्री ये कहे, ये वैसे ही है जैसे नरेंद्र मोदी ने, आपको याद होगा, कहा था कश्मीर फाइल्स देख के हमें कश्मीर में हुए इनका पता चला। तो जिन्हें फिल्मों से ही पता चलता है उनकी हैसियत क्या होगी, उनके दिमाग की स्थिति क्या होगी, आप समझ सकते हैं कि उनकी औकात उससे ज्यादा की नहीं। और यह उनकी बौखलाहट दिखाता, ये सारी बौखलाहट दिखाई देती है। आज आप देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, वही ब्रजभूषण शरण सिंह जिसने पहलवान बेटियों के का यौन शोषण किया, उसके बेटे के काफिले ने 3 लोगों को ऐसे रौंद दिया जिनमें 2 मर गए, 1 मरणासन्न है। ब्रजभूषण शरण सिंह का लड़का जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है सांसद का, पुलिस सरकार सब पर्दा डालने में जुटी है जबकि उसके वीडियो फुटेज और सारी चीजें अवेलेबल है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि क्या हालात हो रहे हैं, और जिस तरह के हालात हो रहे हैं उससे इनकी बौखलाहट साफ दिखाई दे रही, क्रूरता, पागलपन, ये सब चीजें स्पष्ट आ रही। तब दिखता है कि क्या, क्यों? क्योंकि हाथ से जाती हुई सत्ता किसी भी तानाशाह को बड़ा डराती है, बौखलाती है, तमाम पागलपन पैदा करती है। 100 से अधिक, अब तक तो 125 हो चुके होंगे, इंटरव्यू नरेंद्र मोदी दे चुके हैं तमाम अखबारों को, चैनलों को और सब, बावजूद इसके समझ में नहीं आ रहा, जो शख्स कभी भी मीडिया के अच्छे लोगों से मिलना नहीं पसंद करता था वो उनसे ऐसे करता है, और मीडिया के लोग जो जाते हैं वो इंटरव्यू लेने जाते हैं, अपना इंटरव्यू देने जाते हैं। इसका उदाहरण कि जब गोदी मीडिया के एक चैनल के मालिक और वो लोग गए इंटरव्यू लेने, तो स्थिति ये थी कि वो क्या कहते हैं, वो वहां पे कहते हैं कि सर आपके एक दोस्त ऐसे ऐसे गीत गाते थे, और उस गीत के तो आप जब आए तो मैं वो सुना दूं आवाज। आपके परम मित्र स्वर्गीय सुधीर फड़के जी, उनका एक गीत आपका बहुत पसंदीदा गीत है, हुए गुलाबी रंग सुनहले रंग दल बादल के, ज्योति कलश छलके। अगले अगले कार्यकाल में ये ज्योति के कलश भरपूर छलके, भारत की ऊषा, भारत की रोशनी पूरी दुनिया में जाए, हमारा जो विश्व गुरु का सपना है काफी हद तक हमने उस पर विजय पाई, हम पूरी विजय पाए, आपकी इसी हमारी आकांक्षा हाँ के सभी दर्शकों को। अब आप ये समझिए कि इस दशा में पत्रकार हो गए हैं, ये इंटरव्यू लेंगे, क्या ये सवाल करेंगे, आप उम्मीद करते हैं? तो साहब यह दशा है। तो उधर हिमाचल में प्रियंका गांधी लगातार दौरा कर रही हैं और वहां पर लगातार जो टाइम दे रही हैं उसका नतीजा यह है कि चुनाव एकदम से बदला हुआ दिखाई दे रहा है। आपको याद होगा हिमाचल के चुनाव की कमान प्रियंका गांधी ने ही संभाली थी विधानसभा में, और एकदम से नतीजों की स्थिति क्या हुई थी, आज भी वही स्थिति देखने को मिल रही। इधर राहुल गांधी देश के एक कोने में होते हैं, फिर दूसरे में होते हैं, तीसरे में होते हैं, और उनके लिए लोग पागल होकर के खड़े होते हैं, ये घबरा रहा है।
लोगों का विश्वास घबरा रहा है और राहुल गांधी के हाथ में जो इस देश की सबसे बड़ी ताकत है वो संविधान होता है, जिसको लेके अब नरेंद्र मोदी कहने लगे कि कांग्रेस संविधान बदलना चाहती है। अरे कांग्रेस ने तो संविधान दिया था इस देश को, कांग्रेस क्यों बदलना चाहे? बदलने की बात तो आपके लोगों ने की है, समझ लीजिए। तब कहते हैं अरे नेहरू ने अपमान किया था अंबेडकर जी का, जबकि नेहरू और अंबेडकर जी के इतने अच्छे संबंध थे, उनका अपमान तो भारतीय जनता पार्टी जो आज है उसके लोगों ने किया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था, सावरकर ने किया था, उनकी किताबें पढ़िए, वो पत्र पढ़िए, तो आप इससे समझे। तो बहुत सारी चीजें हैं, इनसे आपको बात समझ में आई। तो ये बौखलाहट दिखाता, दूसरी तरफ पूंजीपतियों को जो पोषित करने की पूरी व्यवस्था है उसी के तहत, याद है पेटीएम है, पेटीएम को एकदम से जिसको मोदी पहले प्रचार करते हैं सब कुछ करते हैं और बाद में एकदम से उसे आरबीआई तमाम चीजें करके नोटिस करती है, कुछ बंद कराने करती है और सब कुछ होता है। अब सुनने में आ रहा है, खबर छपी है कि गौतम अडानी शर्मा के साथ बात कर रहे हैं कि उसे हम टेक ओवर कर, यही खेल है कि इस देश के तमाम धंधों पे पहले उन पर चाबुक चलवाओ सरकार से और उसके बाद उसे कब्जा कर लो। देखिए पूंजीपतियों को काम करने से रोकने की कोई बात नहीं होती है, क्योंकि वो करेंगे तभी होगा, लेकिन वो फेयर तरीके से करें। सरकार उसमें घुसती है, सरकार डंडे चलवाती है और उसके बाद में उन्हें कब्जा कराती है। राहुल गांधी सिर्फ इनका विरोध करते हैं, जितने पोर्ट एयरपोर्ट और सब कुछ दिए गए वो इसी तरह दिए गए, जो पिछला वो होता है उसको फंसाया जाता है, परेशान किया जाता है, ऐसी स्थिति में ला दिया जाता है, उसका फिर बिकवा दिया जाता है। जैसे आपने जेट एयरवेज की स्थिति देखी और भी तमाम चीजों की है, तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है। तब नरेंद्र मोदी की स्थिति आप ये देखिए, तो वो भगवान बनने की जो कोशिश करते हैं वो तो हम सबके सामने है, और उसके बाद में जिस तरह का माहौल बनाते हैं तो ये इनके डर का माहौल। हालात ये होते हैं हिमाचल में, जो 1,500 रुपए महीने महिलाओं को डालने की पूरी व्यवस्था की गई थी, 1 महीने दिया गया कुछ लोगों को अभी देने के, जो फॉर्म भरवाए जा रहे थे, उन फॉर्म के भरवाने के दौरान क्या कहा, जनता पार्टी ने उन महिलाओं के पैसे रुकवा दिए। कांग्रेस ने कहा कोई बात नहीं, हम 2 महीने के इकट्ठे अब देंगे, चुनाव बाद देंगे। लेकिन आप देखिए इस तरह से करके साजिशें रची जाती है, आप तो कुछ करते नहीं है, जो कर रहे हैं उसे रोकने की, लेकिन नरेंद्र मोदी को कभी भी किसी उसके योजना की किस्त देने से नहीं रोका गया, उसके तहत वो करने से नहीं रोका गया, ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, चुनाव आयोग जो खेल कर रहा है वो भी आप देखिए। तो इसलिए नरेंद्र मोदी का डर दिखता है, इस तरह की स्थितियां दिखती। तो जहां राम राज्य बताते हैं वहां जंगल राज चलता है, जहां पर ये सारी चीजें होती वहां ये होता। तो ये स्थिति है सामने, ये स्थिति बताती है कि असल में बहुत तेजी से हार की तरफ जा रहे हैं। इसलिए हालांकि नरेंद्र मोदी को भरोसा है कि अब कुछ गद्दारों का, जो विपक्ष के गद्दार हैं, उनके सहारे उनकी नैया पार लग जाएगी, इसीलिए अब वो कहने लगे हैं कि इसमें कोई वही नहीं होता है, विवाद ही नहीं होता है, कोई चीज नहीं होती। तो किसी में हमारे सबके विपक्ष से प्यारे अच्छे संबंध है, तो विपक्ष के नेताओं से अच्छे संबंध है, उसका एक उदाहरण मिलता है कि ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन की मीटिंग में 1 तारीख को आने से मना कर दिया, किसी और ने नहीं मना किया, सभी जगह चुनाव कि उत्तर प्रदेश में, बिहार में, कहीं किसी ने मना नहीं, उन्होंने मना कर। आप पहले भी याद करिए, जब उपराष्ट्रपति का चुनाव था तो भाजपा के प्रत्याशी के पक्ष में उन्होंने वोट दिया था, उसके पहले भी उन्होंने तमाम बार इस तरह से किया है जिससे भाजपा जो बिल पास कराना चाहती है वो करा ले। तो इस तरह की वो खेल करती, वहां लड़ते हुए दिख करके
वोट का सौदा कर कि तीसरे को स्पेस ना मिलने पाए और हम ही हम रहे और हम आपका वहां सपोर्ट करेंगे, आप ये करिए। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है छोटे से अपरोक्ष रूप से, हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन जब सीधे सबूत हैं ममता बनर्जी के खिलाफ उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता, उनके भतीजे को गिरफ्तार नहीं किया जाता। खेल को समझिए, इस खेल को समझ जाएंगे, इसीलिए कांग्रेस कहती है कि सीधे आइए, विचारधारा पर आइए। राहुल गांधी उस बात को लेकर लड़ रहे, तो एक सच की लड़ाई है, एक झूठ की लड़ाई है, एक साजिशों की, कहां आपको खड़ा होना है। फैसला चेक।